हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने ही चैनल टारगेट इन फैंटासी पर। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप देख रहे हैं फैनकोट ईसीएस टी10 लायंस क्रोना 2022 का जो थर्ड एंड फोर्थ मैच खेला जाने वाला है, यहाँ पर जेकेपी वर्सेस एसएसडी के बीच में उसके मैच प्रीव्यू। तो इस प्रीव्यू में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, पहले एक बार वो देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने बात करने वाले हैं सबसे पहले ग्राउंड स्टैट्स, वेदर कंडीशंस के बारे में, यहाँ पर वेन्यू क्या रहेंगे, उस वेन्यू में पिच रिपोर्ट क्या रहेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर एवरेज टोटल स्कोर यहाँ पर कितना बनते हैं, बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच, कितने टीम यहाँ पर चेस किया, कितने टीम यहाँ पर स्कोर डिफेंड किया, उसके साथ यहाँ पर दोनों टीम का प्रॉबल प्लेइंग एक्साइज को क्या क्या खेलने जाने वाले हैं वो देखेंगे। साथ में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे स्मॉल लीग का कैप्टनसी और वाइस कैप्टन की चॉइस, उसके साथ आपको यहाँ पर ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में जानकारी दी जाएंगी, जिसके साथ आप ग्रैंड लीग्स में भी एक अच्छी टीम बना पाए। तो अब चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। देखिए आप वीडियो की यहाँ पर शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए, यहाँ पर हमने एक एक पॉइंट को डिटेल में डेप्थ में समझाने वाला है आपको। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए, ताकि आपको हर एक बात यहाँ पर डिटेल में समझ आ जाए और आप एक अच्छी टीम बना पाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक बात फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो हम मैच यहाँ पर कवर करते हैं उसकी फाइनल टीम हम देते हैं, लेकिन वो टीम आपको मिलेगा कहाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो इसलिए आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ऐप पर जाके आप वहाँ पर @ टारगेट इन फैंटेसी लिख के सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको 160 प्लस सब्सक्राइबर वाला एक न्यू एंड फ्रेश चैनल मिल जाएंगे, तो वो चैनल आपको ज्वाइन करना है। और अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, लिंक में जस्ट एक बार क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर टेलीग्राम पर चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है। तो आप जाइए, देर किस बात की, अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो अभी चलता है यहाँ पर ईसीएस टीम का जो थर्ड एंड फोर्थ मैच खेला जाने वाला है उसकी तरफ। देखिए जॉनकोपिंच वर्सेस सी साइड सी सी, मतलब क्रिकेट क्लब के बीच, ये दोनों टीम के बीच ये मैच खेला जाने वाला है यहाँ पर 2 मई को। एक मैच यहाँ पर है, दो मैच यहाँ पर देखिए, एक तो है 4:30 शाम को और एक है 6:30 शाम को। तो ये दो मैच खेला जाने वाले कल। यहाँ पर वेदर रिपोर्ट देख लीजिए, थोड़ा सा क्लाउड्स रहने वाले, मतलब थोड़ा सा क्लाउडी वेदर रहने वाले। अगर बारिश की कोई चांसेस हो, कोई फर्दर वेदर कंडीशन के थ्रू न्यूज आए तो हम आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पर वेन्यू कौन सा रहने वाला है देख लीजिए, लैंड्स क्रोना क्रिकेट क्लब स्वीडन में ये मैच खेला जाएगा। तो एक ही वेन्यू पर यहाँ पर इस टी10 लीग्स का सारे मैच खेला जाने वाला है। तो यहाँ पर पिच रिपोर्ट देख लीजिए, ज़्यादातर बैटिंग फ्रेंडली रहने वाला है और टी10 लीग्स में ज़्यादा क्या होता है देखिए, ज़्यादा इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर ग्राउंड छोटा कर दिया जाता है, मतलब ग्राउंड की जो बाउंड्री डायमेंशन है वो बहुत ही छोटा कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सिक्स और फोर रन आपको देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिच मान के चलिए और यहाँ पर बैट्समैन को और ऑलराउंडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम पर रख के टीम बनाइए। और टुडे मैच प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, देखिए पहले और एक बात, यहाँ पर अभी तक कोई भी मैच नहीं खेला है। तो यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने कितने जीते, साथ में यहाँ पर चेस करने वाली टीम ने कितने जीते, तो ये इन्फॉर्मेशन अभी हम आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि देखिए रिसेंट डेज में यहाँ पर कोई भी मैच नहीं हुए, 2-3 साल पुराना स्टैट्स कहाँ पर भी काम नहीं आएंगे। तो इसलिए हमने तो अभी मतलब यहाँ पर किसी भी नंबर लिख दे सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिखा देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते। जैसा हमारे पास जितना इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको देने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए फ़िलहाल ये जो मतलब बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड करने वाले टीम की जितने के बारे में जो स्टैट्स है ये हमारे पास अभी नहीं है। टुडे मैच प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। अभी देखिए जेकेपी की टीम यहाँ पर 10% जीतने वाले हैं, जहाँ पर एसएसडी की टीम यहाँ पर 90% जीतने वाले हैं, क्योंकि देखिए एसएसडी की टीम यहाँ पर बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग साइड है। तो इसलिए आप एसएसडी को थोड़ा फेवरेट मानते हुए आपकी टीम बनाना। तो चलते हैं यहाँ पर प्रॉबल प्लेयर्स की तरफ। देखिए जेकेपी की जो प्रॉबल प्लेयर्स रहने वाले हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रियाज खान विकेट कीपरिंग ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, विद शुभम कदम के साथ यहाँ पर ओपनिंग करेंगे। साथ में नंबर 3 पर यहाँ पर आ जाएंगे सामी इब्राहिम खिल, जो कि बहुत ही बढ़िया प्लेयर्स है, टॉप 3 का यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया प्लेयर्स है इन तीनों। उसके बाद यहाँ पर आएंगे मुस्तफ़ा जाबीहुल्ला, मोहम्मद इस्माइल, नंबर 6 पर आ जाएंगे हफीज खान, नंबर 7 पर आपको देखने को मिलेंगे मोहम्मद तनवीर, बहुत ही बड़े ऑलराउंडर है। उसके बाद नंबर 8 पर आपको देखने को मिलेंगे जाबीहुल्ला जादरान, नंबर 9 पर यहाँ पर अहमद सज्जाद, नंबर 10 पर यहाँ पर वैभव पटेल, नंबर 11 पर यहाँ पर सहार सिरजात।
तो ये बिल्कुल रहने वाला है JKP की प्रॉब्लम पे से। अगर कोई भी चेंजेस हो तो हम आपको जरूर टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर देंगे। देखिए यहाँ पर कौन कौन से प्लेयर आपके लिए अपने स्मॉली की टीम पर मस्ट भी रहना चाहिए। शुभम कदम सबसे पहले है, रियाज खान भी है, इब्राहिम अली खील है, हफीज़ खान है, इस्माइल है, आहमद सज्जाद और भविया पटेल। तो ये 7 प्लेयर्स जिसका नाम हमने अभी आपको बताया, तो इसमें से ही आपको स्मॉल लीग में प्लेयर चुनना है। जैसा कि आप चाहे यहाँ पर 4, 5, 6, 7 कितने भी कॉम्बिनेशन के साथ आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन ये 7 प्लेयर्स के बीच में आपको प्लेयर्स चॉइस करना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छा है। पिछला मैच इसने यहाँ पर अच्छा किया, थोड़ा बहुत हमने डोमेस्टिक की स्टैट्स ढूंढने की कोशिश की तो वहाँ पर ये प्लेयर्स अच्छे खेलते हुए देखने को मिले हमें। तो इसलिए देखिए यहाँ पर SSD की प्रॉब्लम प्लेयर से क्या रहने वाला है। यहाँ पर SSD का उतना ज़्यादा स्टेट समय नहीं मिला, तो देखिए यहाँ पर मनोज जर्वेस यहाँ पर ओपनिंग करेंगे, किसके साथ, हरिंदर खरांगे के साथ, खोरंगे के साथ, जो कि विकेट कीपरिंग ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज वाले। नंबर 3 पर आपको देखने को मिलेंगे सफात अली शायद। 4 नंबर पर यहाँ पर आएंगे उमेर चौधरी। नंबर 5 पर यहाँ पर सचिन करुणाकर। नंबर 6 पर गौतम भारती। 7 नंबर पर आएंगे यहाँ पर प्रवीण कुमार जूनियर। आदित्य अरोरा आ जाएंगे यहाँ पर नंबर 8 पर। अनिल गोदारिया यहाँ पर आएंगे नंबर 9 पर। कार्तिक शहरी यहाँ पर आएंगे नंबर 10 पर। और एंड में आपको देखने को मिल जाएंगे अनुराग काले। तो ये रहेगा SSD का प्रॉबल प्लेइंग एक्सरसाइज। इसके बारे में देखिए यहाँ पर कौन कौन से प्लेयर आपके लिए अच्छा रहने वाले हैं। मनोज जाद बेस्ट है, हरिंदर खोरंगे के है, यहाँ पर सचिन करुणाकर है, गौतम भारती है, प्रवीण कुमार जूनियर, आदित्य अरोरा और यहाँ पर अनुराग काले। तो ये 7 प्लेयर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है इस मैच में। देखिए टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उतना ही स्टैट्स आपके पास आएंगे, हमारे पास भी उतना इन्फॉर्मेशन आएंगे ग्राउंड्स के बारे में, प्लेयर्स के बारे में, तो हम आपको यहाँ पर जानकारी देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो फिलहाल ये गई है SSD की प्रॉपर प्लेइंग सही, अभी चलते हैं स्मॉल लीग का जो सेफ कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है उसकी तरफ। देखिए स्मॉल लीग का जो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी चॉइस है उसकी तरफ देखिए, शुभम कदम है, उमेर चौधरी है, हफीज खान है, मोहम्मद इस्माइल है। 4 टॉप ऑप्शन यहाँ पर स्मॉल लीग का कैप्टनसी और वाइस कैप्टन के चॉइस पर हमने रख दिया, क्योंकि देखिए ये प्लेयर्स ही इस मैच में परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाले ये 4 प्लेयर्स। आप इन चारों को नो डाउटली यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, कहाँ पर, ग्रैंड लीग्स और स्मॉल लीग दोनों में ही, क्योंकि देखिए पहला वाला मैचेस है तो इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। आप थोड़ा सा मैच को ऑब्जर्व करें, मैच को देखें, उसके बाद आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज आए तो आप तभी जाकर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए बिना सोचे समझे बिना इन्फॉर्मेशन लेके किसी भी तरह मैच खेलना ठीक नहीं होगा। ग्रैंड लीग पिक्स थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, हरिंदर खरंगे है, सफात अली शाहिद, सचिन करुणाकर और आदित्य अरोरा। आदित्य अरोरा एक बहुत ही बेहतरीन बॉलर है, इसके जो जितना भी स्टैट्स हमें मिला हर मैच में ही विकेट निकलते हुए देखेंगे आपको, हर मैच में 1-1, 2 करके ऐसा करके विकेट्स निकालते हैं, तो इसलिए ये भी बहुत बढ़िया चॉइस आपके लिए रहने वाला है कहाँ पर, ग्रैंड लीग पर। तो उसके साथ यहाँ पर सचिन करुणाकर को भी आप ट्राई कर सकते हो ऑनलाइन जो ऑलराउंडर, ये बैटिंग भी अच्छा कर लेते हैं, साथ में बॉलिंग 2 ओवर डाल सकते हैं। हरिंदर खरंगे यहाँ पर विकेट कीपरिंग ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है आपके लिए। इसका सिलेक्शन परसेंटेज भी 70% से ज़्यादा है, तो इसलिए ये भी हमारे टीम पर रहने वाले हैं। आप चाहे तो ग्रैंड लीग्स पर इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, अगर ये ओपनिंग करे तो आप इसको जरूर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाओ। अगर आप 20 टीम के साथ यहाँ पर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो यहाँ पर आपके एक टीम पर हरिंदर खरंगे को यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। तो चलते हैं यहाँ पर डीम की तरफ, हमने वहाँ पर एक डेमो टीम बना के आपको दिखाऊंगे, क्योंकि देखिए अभी तो मैच और टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ तो इसलिए फाइनल टीम के बारे में कुछ बताना अभी पॉसिबल नहीं होगा। जैसा कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आना चालू हो जाएंगे तो हम आपको उसके बारे में हर मैच के बारे में एक मतलब क्या बोलते हैं डेप्थ एनालिसिस करके जानकारी देते रहेंगे। तो फिलहाल चलते हैं डीम की तरह, वहाँ पर हमने एक स्मॉल लीग का डेमो टीम बनाएंगे, लेकिन फाइनल टीम आपको मिलेंगे कहाँ, टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आप अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक में क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं DMLM की तरफ। फिलहाल विकेट कीपर ऑप्शन पर रहने वाला है एच खोरंगा, हमने तो 70% बताया था आपको, लेकिन यहाँ पर देखिए 81.1% इसका सिलेक्शन हो गया है, मतलब लोगों ने इनको पिक कर रहा है एज ए विकेट कीपर, क्योंकि ये ओपनिंग करने वाले हैं अपनी टीम के तरफ से। और जो एक ऑप्शन है यहाँ पर आर खान, साथ में यहाँ पर देखिए
एस राव भी है, तो अगर ये लोग खेले तो हम आपको जरूर टेलीग्राम पर बता देंगे। देखिए बैटिंग ऑप्शन पर जो टॉप थ्री ऑप्शन है जिसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है उसको हमने हमारे टीम पर पिक कर लिया है। एस कदम, शुभम कदम है, एस आली शायद, यू चौधरी। तो ये तीन प्लेयर्स को हमने हमारे स्मॉलिक की टीम पर पिक कर लिया डेमो टीम में। फिलहाल हमारे टीम पर ये तीन प्लेयर्स रहने वाले हैं, नहीं तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं एम जबी उल्ला, इब्राहिम खेल, मोसा जाई और निभाले के साथ, वो आपके लिए ग्रैंड लीग्स पर बेहतरीन ऑप्शन रहने वाले हैं। अगर वन डाउन टू डाउन करके आप बैट्समैन को चॉइस करो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। चलते हैं ऑलराउंडर ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए टॉप थ्री ऑलराउंडर हमारे टीम पर रहने वाला है मोहम्मद इस्माइल, यहाँ पर एज खान, हफीज़ खान है, एस सचिन करुणाकर है। तीन टॉप प्लेयर्स को हमने हमारे टीम पर पिक कर लिया। तो यहाँ पर आपके लिए और जो दो ऑप्शन बन जाएंगे, यहाँ पर देखिए एम तनवीर एक है और जी भारती, यहाँ पर आपके लिए दो बेहतरीन ऑप्शन बन जाएंगे। हालांकि यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में बहुत सारे प्लेयर्स है, कौन से प्लेयर खेल रहा है तो आपको फाइनल टीम के बारे में वहाँ पर ही पता जाएगा जब यहाँ पर फाइनल एक्स आई आए। तो अगर फाइनल एक्स आई में कुछ कुछ चेंजेस आए तो हम आपको टेलीग्राम पर जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। चलते हैं बॉलिंग ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर देखिए जेड जादरन है, ए अरोरा है, आदित्य अरोरा है, एस सिरजात और बी पटेल। तो यहाँ पर चार टॉप बॉलिंग ऑप्शन को हमने हमारे टीम पर पिक कर लिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एम जावेद, ए सज्जात और यहाँ से और एक दो जो ऑप्शन है पी बंसल साथ में, एच आशिक और एस दास अगर खेले तो हमको टेलिंग पर बता देंगे। तो इनको आप ग्रैंड लीग्स पर आसानी के साथ पिक कर सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा। क्योंकि देखिए पहला वाला मैचेस है, किसी के पास ज़्यादा जानकारी नहीं रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने जो प्लेइंग 11 दिया है आपको बैटिंग ऑर्डर के साथ साथ, तो वो बैटिंग ऑर्डर काम नहीं भी आ सकते। क्योंकि देखिए T10 लीग है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई भी बात का सर्टेनिटी नहीं है कि यही होगा। तो आपको टॉस होने तक यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। टॉस के बाद हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि कौन से प्लेयर खेल रहा है, कौन से प्लेयर नहीं खेल रहा है, किसका बैटिंग ऑर्डर कैसा है। चलते हैं यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहते हैं, देख लीजिए जो हमारे सेफ कैप्टन रहने वाले हैं हफीज़ खान, साथ में यहाँ पर एम इस्माइल सेफ वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। तो एक बार सेफ करके आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस कर देंगे। देखिए एच कोरंगा है, यू चौधरी है, एस आली शायद, शुभम कदम, यहाँ पर मोहम्मद इस्माइल, हफीज़ खान, सचिन करुणाकर, आदित्य अरोरा, एस सिरजात, बी पटेल और जेड जादरन। तो यहाँ पर हमारे टीम का सेफ कैप्टन है हफीज़ खान, सेफ वाइस कैप्टन है एम इस्माइल। आप चाहे तो यहाँ पर यू चौधरी, एच कोरंगा, करुणाकर, आदित्य अरोरा और यहाँ पर जेड जादरन के साथ बिल्कुल ग्रैंड लीग्स पर एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑप्शन पर ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपको ग्रैंड लीग्स पर 20 टीम बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए, आप ऐसे करके एक स्मॉल लीग का सेफ ऑप्शन बनाओ पहले, उसके बाद यहाँ से बॉलिंग ऑप्शन से एक दो करके ऑप्शन को चेंज करते रहो और ऑलराउंडर बैट्समैन सेक्शन में भी कर सकते हो। क्योंकि देखिए ग्रैंड लीग पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 11 प्लेयर्स को आप चुनो, उसके बाद एक या दो प्लेयर्स को रोटेशन करते रहो। देखिए आप अगर 7 या 6 प्लेयर्स को रोटेशन कर रहे हो तो आपको तभी जाकर बहुत ही प्रॉब्लम आने वाला है। क्योंकि देखिए तब आपको क्या होगा, आपके लिए जो स्मॉल लीग का सेफ ऑप्शन रहने वाला है वो आपके पास से छूट जाएंगे, तो ऐसे करके आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए हम आपको कह रहे हो कि आप देखिए पहले प्लेइंग 11 देखिए, उसके बाद यहाँ पर एक 11 प्लस को लेकर अच्छा सा टीम बनाए, उसके बाद एक दो चेंजेस करते हुए यहाँ पर ग्रैंड लीग का 20 टीम बनाकर ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर ही आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए ये रहेगा फिलहाल हमारा डेमो टीम। फाइनल टीम के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएंगे हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो आप जाइए अभी के अभी तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो एक ये रही हमारा डेमो टीम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस अपडेट्स आप तक पहले पहुँच जाए। एक अच्छा सा टीम बनाए और अच्छा सा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।